हमारी खबरों के साथ बने रहने के लिए IC24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। में पिछले 24 घंटे में 1,73,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3,617 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों को देखते हुए 15 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। 1 जून को नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आप विधायक आतिशी का केंद्र पर गंभीर आरोप, प्राइवेट अस्पतालों में धड़ल्ले से वैक्सीनेशन चल रहा है, जानबूझकर दिल्ली को नहीं दिया जा रहा टीका। अमेरिकी विदेश मंत्री सचिव एंटनी ब्लिंकन से मिले एस जयशंकर, वैक्सीन और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। केंद्र ने बंगाल मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र में जिम्मेदारी दी है, 31 मई तक दिल्ली में रिपोर्ट करना होगा। शरणार्थियों की नागरिकता पर केंद्र का बड़ा फैसला, 3 देशों से आए शरणार्थियों से मांगे गए आवेदन, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है, सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान के भरतपुर में दिनदहाड़े डॉक्टर पति पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। एयर इंडिया की फ्लाइट में चमगादड़ मिलने से हड़कंप, एयर इंडिया फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। उधर बीसीसीआई की आज अहम बैठक होने जा रही है और T20 विश्व कप पर होगी चर्चा, संयुक्त अरब अमीरात में हो सकता है आयोजन।